स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। जैसा कि आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध लगातार 3 दिन से जारी है। वहां पर हजारों भारतीय अभी भी वहां फंसे हुए हैं। इसी सिलसिले में यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ रहे राशिद रिजवान। रिजवान, आप ये बताएं कि अभी वहां किस तरह के हालात है और आप वहां भी कैसे रह रहे हैं? जी, अभी हालात ऐसे हैं यूक्रेन पूरे यूक्रेन के कि हर जगह दहशत की माहौल है। तो अभी ऐसा है कि सारे जो लोकल जो हैं और इंटरनेशनल जो भी फॉरेनर्स हैं वो सारे यूक्रेन छोड़ के जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम भी आप अपनी यूनिवर्सिटी के चक्कर में रुके थे, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए अड़ी थी, लेकिन लास्ट उसने आखिर में जब ऑनलाइन कर दिया तो उसके बाद से हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए। तो हम कल जैसे गाइडलाइंस की इंतजार कर रहे थे कि कैसे निकलना है, तो हमारी जैसे एडवाइजरी आई, जो हमारी एम्बेसी है यूक्रेन की, इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन, तो उससे उसके थ्रू जैसा कि बताया गया कि आपके नियरेस्ट बॉर्डर जो भी है वेस्ट यूक्रेन के, उसमें आप जा सकते हैं। तो हम लोग अपने नियरेस्ट बॉर्डर जो भी था मेरा ये हंगरी का, यहाँ हम लोग आ गए। लेकिन उसमें जो भी नोटिफिकेशन था उसमें कुछ भी क्लियर नहीं था कि आपको बाई व्हीकल आना है, बाई बस आना, बाई कार आना, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं था। हम लोग आ गए अपनी टैक्सी खुद करके, कल रात में 1 बजे हम लोग यहाँ हंगरी के बॉर्डर पे उतर गए यहाँ पे। उसके बाद से हम वहाँ गए कि एंट्री करते हैं, तो वो हमें एंट्री नहीं दिए क्योंकि वो ना कोई वहाँ पे ऑफिशियल थे, ना कोई कुछ ऐसी जो लोकल अथॉरिटीज थे जो यहाँ के यूक्रेन के, उन्होंने को बोला कि नहीं हो सकता तुम्हारी एंट्री। तो फिर हम वहीं पे इंतजार करने लगे और एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई उस वक्त। और उसके बाद से सुबह तक हम लोग करते रहे और लगातार 10 घंटे तक हम वहाँ पे खड़े रहे। उसके बाद से फिर सब्र बांध जब टूट गया तो वैसी वीडियोस आई सामने, क्योंकि बीच बीच में मैं काफी कनेक्ट था और सब भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है सबसे मैं कनेक्ट था, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। रिजवान, मैंने आपका वीडियो देखा ट्विटर पे कि उसमें आप रो रहे थे, तो ऐसा क्या लगा आपको? कौन सा पल आया जिसको लगा कि शायद आप सब्र का बांध टूट रहा है, आपके आंखों से आंसू झलक आया? उस समय आप किस तरह का फील कर रहे थे रिजवान? देखिए सर, कोई इंसान जब अपने देश की जो सबसे विदेश में सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट रहता है कि कोई आपकी मिनिस्ट्री जो है आपकी आपके लिए एम्बेसी बिठा के रखी है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मतलब तुम्हारी एम्बेसी डील करेगी, और हम एम्बेसी के भरोसे ही रहते हैं कहीं भी रहते हैं, तो क्योंकि एम्बेसी के पास हमारा हर डिटेल्स है, तो उसके उस पर हम भरोसा करके उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम वहां तक आए। उस गाइडलाइंस पे ये कभी नहीं लिखा गया था कि तुम्हें बाय व्हीकल आना है, अपने कार से आना है, बाय बस आना है, तभी इस पे होगा तुमको एंट्री मिलेगा। जो आज आया है उसमें बचावता लिखा गया है क्लियरली, अभी जो इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुझे मिला है, तो इसमें लिखा है कि हाँ, तुम्हें इस बॉर्डर पे अगर आना है तो तुम्हें या तो कार से आओ या अपने बस से आओ। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो एमएससी की तरफ से भी हुई है, और अब इसको कह सकते हैं एक मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो रिजवान, अभी आप कहाँ ठहरे हुए? क्या सरकार की तरफ से लोगों ने आपसे संपर्क किया कि आप आइए, हम आपको लेके अपने देश आते हैं? क्योंकि आज एक फ्लाइट आई है जिसमें लगभग 250 लोग आए हैं। देखिए, उसमें उस फ्लाइट में हम बोर्ड नहीं आ पाए। उसी वक्त मेरा ये जो सब्र का बांध जो टूटना कहते हैं कि हम लोग 10 घंटे से खड़े हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं हमें बुला रहा है, या कोई हमारे पास नहीं आ रहा, लाइक कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं, ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कि जो भी नंबर्स थे हमने कॉल्स किए जितने भी थे नहीं हो रहे थे। लास्ट एक कॉल फिर लगी एम्बेसी में, जो एम्बेसी ऑफ जो इन यूक्रेन की है, इंडियन एम्बेसी, उसकी लगी, हंगरी की तो नहीं लग रही थी हमसे। ठीक, तो इसमें लगी तो उन्होंने फिर कहा कि वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। जब जबकि मैं उस वक्त उन्हीं से बात करते करते मैं रो दिया था। वो आपसे, आप अगर कंफर्मेशन के लिए पूछेंगे तो वो बता सकते हैं। उन्होंने बोला, देखो अगर राशिद, तुम रो नहीं, बस हम कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक पर्सन को भेजा जो हमें अपनी सिटी में लेके आए, जो 20 किलोमीटर और बॉर्डर से अंदर है, उजरोद यूक्रेन में है। तो अभी हम लोग वहीं स्टे कर रहे हैं, हो सकता है जल्द से जल्द यहाँ से हमको निकाला जाएगा और हमें एंट्री कराई जाएगी उस देश में, हंगरी अच्छा में। रिजवान,
रिजवान तो अभी आप यूक्रेन में ही है और किसी दूसरे बंदे के यहाँ ठहरे हुए हैं। जैसे जी बहुत सारे ऐसे वीडियो आए हैं जहाँ पे लोग बंपर में छुपे हैं, मेट्रो स्टेशन के नीचे छुपे हुए हैं, लेकिन अब अभी किसी के घर पे रुके हुए हैं। जी जी यहाँ एक हॉस्टल कह सकते हैं जिसे उन्होंने अरेंज कराया है, वो शायद उनकी एम्बेसी से बात हुई होगी तो उन्होंने अरेंज कराया है। ऐसे अच्छा, तो रिजवान अभी आपके साथ कितने बच्चे होंगे अभी? मेरे साथ मेरे इवानों के 18 बच्चे थे, जो हम पूरे 18 का 18 रात के -2 डिग्री सेल्सियस में हम लोग बाहर पड़े थे, और पूरे 10 घंटे मेरे साथ वो लोग, मेरे जूनियर्स थे और मेरे कुछ सीनियर्स थे, हम लोग साथ एक ही जगह थे 18 बच्चे। फिर अब सब्र का बांध टूट गया क्योंकि जूनियर्स बार बार पूछते थे भैया जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो आ गए थे अपनी जैसे 350-400 किलोमीटर डिस्टेंस ये करके ट्रेवल करके आ गए थे। हम रात में 2 बजे दिन में चले थे और रात के 1 बजे पहुंचे थे, जो कि 4 घंटे की सफर होती है, 4 घंटे, 4.5 घंटे की, लेकिन हम टोटल आपके 10 घंटे के आसपास लग गए थे, इतनी जाम लगी थी और ट्रैफिक झेल के हम लोग पहुंचे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरी बसें जा रही हैं लेकिन हम बाहर ही खड़े हैं। रिजवान, मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप रो रहे थे, आपका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो क्या आपके घर वालों से बात हुई? उन्होंने क्या दिलासा दिलाया आपको घर वालों ने? देखिए, घर वाले दिलासा ही दिला ये करते हैं, किसी के बच्चे को तकलीफ में देखेंगे तो वो तो अब उनको भी ये रहेगा, लेकिन सामने से कहते हैं कि कुछ नहीं, सब रखो, हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, तो वही है बस, क्या ही कुछ। अच्छा, तो रिजवान, आप यूक्रेन में क्या करते हैं? वहां क्या कहाँ क्या कर रहे थे वहां आप? मैं इवानो फ्रांकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं MBBS कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, तो क्या लगता है रिजवान कि आप कब तक आपकी वापसी होगी इंडिया? देखिए, अगर भारत सरकार और जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, जितने भी अपर हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं, अगर वो पहल करें तो 1-2 दिन में मैं इंडिया में आ जाऊँ। अच्छा ठीक है रिजवान, मैं थोड़ा आपको, अभी आप यूक्रेन में हैं तो यूक्रेन के हालात पे आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि अभी वहाँ पे किस तरह के हालात है, क्या लोग बाहर निकल पा रहे घरों से या सब घर के अंदर पैक है? देखिए, 7 बजे के बाद यहाँ रात में कर्फ्यू लग जाती है, ठीक है, और ज़्यादातर एडवाइस दी जाती है कि अपनी लाइट्स बंद करके रखा जाए, क्योंकि मैं भी अपने सिटी, जब मैं हॉस्टल में था तो उसके लिए लास्ट लास्ट नाइट, तो अभी जब मैं निकल गया था यहाँ हंगरी के लिए, तो उस साइरेंस भी बज रहे थे सिटी में और सबको बंकर्स में जाने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट थी। और उसके पहले, 1 दिन पहले जो रात वो थी, उस दिन भी साइरन बजे थे, तो हम लोग सबको नीचे भाग के बंकर्स के पास गए थे, जो बेसमेंट्स होते हैं वहां पे गए थे। तो हमेशा खतरा मंडराते रहता है, और जिस दिन पूरे यूक्रेन में इन्वेजन हुआ था, लाइक बॉम्बार्डिंग हुई थी, उस दिन इवानो में भी बॉम्बार्डिंग हुई थी, जो एयरपोर्ट का इलाका है उस साइड, तो सारे तो छात्र दहशत में थे, इसी वजह से हम लोग देश छोड़ना चाह रहे थे यूक्रेन, बट अभी तक हम लोग यही हैं। रिजवान, आप कितना सालों से वहां रह रहे थे यूक्रेन में? मैं 4 सालों से मैं रह रहा हूँ। 4 साल से आप वहां रह रहे हैं। तो अभी जो वहां जो भारतीय लोग फंसे, जो ज्यादातर छात्र है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप वहां खुद फंसे हैं लेकिन आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, इनसे क्या लोगों क्या मैसेज आए, क्या आप संदेश देंगे ताकि वो हिम्मत ना हारे वहां पर? क्योंकि देखिए, वहां पे देखिए, सिचुएशन इस तरह के हालात है कि लोगों में दहशत है, लोग डर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो उनको हौसला दे सकते हैं वहां पर। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक दूसरे से जुड़े रहें, बल्क में रहें, लेकिन एक अगर कनेक्टेड रहेंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आप तक पहुंच जाएगी, अगर अलग अलग रहिएगा तो नहीं होगी। और कोई भी डिसीजन ले सोच समझ के, लाइक अगर जा रहे हैं तो, क्योंकि अभी सारे जो भी कंट्रीज के ये हैं, सारे कंट्रीज के लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो मैं जो भारतीय छात्र हैं सबसे कहूंगा कि आप भी जल्द से जल्द देश छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं यूक्रेन के, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी का बच्चे को कोई तकलीफ हो, इसीलिए मैं कहूंगा जल्दी जल्दी छोड़ने की कोशिश करें अपने उस को और अपने वतन लौटें। रिजवान, आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आपके साथ में बिहार के भी छात्र हैं या सिर्फ आप बिहार से अकेले हैं फिलहाल? नहीं, मेरे साथ बिहार के छात्र हैं, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के 5 छात्र मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, तो बिहार सरकार ने आपसे कोई कांटेक्ट वगैरह करा या फिर जो भारत सरकार ने आपसे कांटेक्ट करा? बिहार नहीं, सरकार भी कह रही कि हम कांटेक्ट कर रहे हैं लोगों से जो बिहार सरकार ने मुझसे कांटेक्ट की, मेरे यहाँ के MP डॉक्टर लव कुमार सुमन जी ने मुझसे कांटेक्ट किया जी, उनसे हुई थी, और जो बिहार की एक और वेलफेयर सोसाइटी है उन्होंने भी किया था, गवर्नमेंट वेलफेयर सोसाइटी है, तो हम लोग कांटेक्ट्स में हैं।
तो ये जो आने का जो अभी मामला चल रहा है कि बहुत फ्लाइट का टिकट के बारे में कहा जा रहा है कि 80-80 हज़ार 1 लाख का मिल रहा है, तो क्या लगता है कि आपको टिकट कटवाना पड़ेगा या भारत सरकार पूरा खर्च करेगी आपका आने के लिए? नहीं, अभी जैसा कि नोटिफिकेशन आया है वो तो भारत सरकार का ही है कि वो अभी वियर करेगी जितना भी होगा। इससे पहले कुछ दिन पहले जब तक नॉर्मल फ्लाइट चल रही थी तो उसमें एयर इंडिया की फ्लाइट्स थी जो जब तक ये कैंसिल नहीं हुई थी, बॉम्बार्डिंग नहीं हुई थी, एयर स्पेस बंद नहीं हुआ था, उस वक्त तक तो किराया वसूल हजार था, 60 हज़ार से 1.5 लाख तक की टिकट थी। चलिए, बहुत शुक्रिया रिजवान, आप अपना ख्याल रखिए और जी दुआ सर, है कि आप सही सलामती से बिहार लौट जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने वक्त निकाला और हमसे बात किया। जी शुक्रिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। Twitter और Instagram पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com